Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. पूरा उत्तर भारत इस समय मानसून की गिरफ्त में है। दिल्ली NCR समेत देश के अधिकतर राज्यों में बादलों का डेरा है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने आज भी दिल्ली समेत देश के 20 राज्यों में बारिश होने की उम्मीद जताई है। IMD के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु के कुछ हिस्से, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पूर्वी गुजरात, कोंकण और गोवा, तेलंगाना के कुछ हिस्सों और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। आइए विस्तार से जानते हैं आज कैसा रहेगा देश भर में मौसम के हालात। राजधानी में शनिवार को कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई। दिल्ली में बारिश का ये सिलसिला आज भी जारी रहने वाला है। लगातार बारिश की वजह से दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से नीचे आ गया। इसमें उमस भरी गर्मी से राहत रही और मौसम खुशनुमा बना रहा। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भी येल्लो अलर्ट जारी किया है। वहीं उत्तर प्रदेश में सावन के महीने में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कई जिलों में झमाझम बारिश हुई है। लगातार हुई बारिश के कारण लोगों को उमस से राहत मिली है। आज उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। IMD के अनुसार रविवार को UP के 30 से अधिक जिलों में भारी बारिश के आसार है। बिहार की बात करें तो अब वहाँ मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो चुका है। कई जिलों में लगातार बारिश पड़ रही है। वहीं आज भी 8 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अभी 2 दिन तक जमकर बारिश होगी। वहीं हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है। शनिवार को भी ये सिलसिला जारी रहा और कई स्थानों पर भारी बारिश हुई। सिरमौर और शिमला जिलों में भारी बारिश हुई। बता दें IMD के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों, पूर्वी असम और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।